उसके बाद बाने लगाएंगे और मैं आपको वो दिखाऊंगी। और मैंने गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आज रेडी हो गए हैं और हम मंदिर में जाने के लिए बहुत खुश हैं। हम कैसे लग रहे हैं? कैसे लग रही हूँ? देख रही कमेंट में जरूर बता रहा मैं कैसे लग रही हूँ। और आज मजा आने वाला है। आज तो बहुत ही मजा है क्योंकि आज ठंडा मौसम है। बज रहा है तो गाइस बैंड बाजा नीचे बज रहा है और हम तैयार हो गए हैं। हाँ। और हम जाएंगे तो फ्रेंड्स अभी हो चुकी है सुबह और आज है पूजा का थर्ड डे और जो हमारी पूजा वो जोर शोरों से चल रही है। तो मेरे तीनों दादाजी सबसे आगे चल रहे हैं और हम पूरी फैमिली उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और जो मेरे दादाजी है वो थाल बजाते हुए चल रहे हैं। और ये जो छोटा सा ढोल बजा रहे हैं ये जागरी है। जागरी मतलब जो देवता को आह्वान देते हैं। काल भैरवनाथ की जय। काल भैरवनाथ की जय। ये मेरी दादी जी है जो भैरवनाथ जी की मूर्ति मंदिर से घर पे ला रही हैं, जहां हम उन्हें स्नान कराएंगे और बाने देंगे। उसके बाद हम उन्हें सुंदर सी डोलियां बिठा के वापस मंदिर ले जाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाने क्या होते हैं। चलो मैं आपको बानों का मतलब बताती हूँ। तो अक्सर आपने उत्तराखंडी शादियों में देखा होगा कि हम दूल्हा दुल्हनों को चंदन और हल्दी का लेप लगाते हैं। तो ये लेप हम इसलिए लगाते हैं ताकि उनकी स्किन ब्राइट और सुंदर हो जाए और ये एक शुभ कार्य का प्रतीक भी होता है। तो फ्रेंड्स सबसे आगे मेरी तीनों दादियां हैं जो मंदिर से मूर्ति को घर पे ले आई हैं। अब हम करेंगे भैरवनाथ जी की पूजा और होंगे उनके बाने।
ये देखो फ्रेंड्स, इसी का ढोल दमे का मजा लेते हुए। और ये है ढोल दमा। इसकी आवाज बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव होती है। इसकी आवाज बहुत दूर तक दूसरे गांव में जाती है। गाइस, मूर्ति आ चुकी है और मूर्ति की अभी हो रही है पूजा। और इधर अब बाने लगाएंगे, पाठ करना है और उसके बाद हम जाएंगे मंदिर में मूर्ति स्थापना। तो सबसे पहले पांच छोटी कन्याएं देंगे बाने और उसके बाद सारे बड़े लोग। तो सबसे पहले कन्याओं की होगी पूजा, फिर वो हल्दी का लेप बनाएंगे और उसके बाद उसे बाने देंगे। तो ये है बाबा भैरवनाथ जी की मूर्ति, जिनकी अभी आंखों में पट्टी लग रखी है। और जब हम मंदिर में मूर्ति को स्थापित करेंगे तब ये पट्टी को हटाया जाएगा और बाबा भैरवनाथ जी सभी भक्तों को अपना दर्शन देंगे। बाने लग चुके हैं और अब मूर्ति को हल्दी और चंदन के जल से नहलाया जाएगा। तो गाइस, अब मैं आपको दिखाऊंगी डोली। तो अब मूर्ति को उनकी डोली में बैठा दिया गया है। अब मूर्ति को गांव के रास्ते ले जाके मंदिर तक ले जाया जाएगा और वहां होगी मूर्ति स्थापना। आप देख रहे होंगे कि पूरे गांव के लोग मिलकर इस मूर्ति यात्रा में शामिल हुए हैं और ये सारे लोग दूर दूर गांव से मूर्ति यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। मूर्ति मंदिर के आंगन में आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये सारे लोग हैं गांव के
और ये मूर्ति स्थापना को लेकर बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए ये सब मिलजुल कर ढोल डमा पे डांस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बाबा भैरवनाथ जी की मूर्ति की स्थापना हो चुकी है, हमारी पूजा भी हो चुकी है, हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारा ये नया मंदिर इस गांव में बना है। अगर आपको हमारे गांव का पूरा सीरीज अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बोलो काल भैरवनाथ जी की जय। हाँ,